हेलो। हाँ उमित बोलिए। भूमित भूमित अच्छा हिंद सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमें अपना इतना कीमती समय निकाल करके हमें जय हिंद। मार्गदर्शन दे रहे। इस संबोधन से बड़ा अच्छा लगा मुझे, जय हिंद से। हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सबको अपना कीमती समय निकाल करके मार्गदर्शन देने आए। सर, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे एक आईएएस ऑफिसर बहुत मेहनत करके अपने उस मुकाम तक पहुंचता है, उसके बाद भी सर कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं कि जैसे अभी हमने पीछे कुछ समय पहले एक वाक्य देखा जिसमें अनिल विज जी, जो कि हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने एरिया की एक एसपी से एक बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टली किसी बात को लेकर के बोला कि आप यहाँ से गेट आउट हो जाइए। तो सर, क्या एक आईएएस ऑफिसर इतनी इंसल्ट के लिए ओपन होता है? क्योंकि ये जो वाकया हुआ वो इस चीज पे हुआ कि जो अनिल सर थे वो डायरेक्टली उन एसपी मैम को दोषी मान रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे ड्रग्स की और इलीगल शराब की सप्लाई हो रही है, उसके लिए वो डायरेक्ट उनको दोषी मान रहे थे। जबकि सर, मेरा मानना ये है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी भी कोई ज्यादा बड़ी गलती थी नहीं। उन्होंने बोला कि मैंने कानून के दायरे में रह के उनकी खोज करके उनको अरेस्ट करवाया, उसके बाद वो लोग बाहर आकर के फिर वही काम करेंगे, तो उसके आगे मैंने अपने सुपीरियर से बात करी, लेकिन उसके रिलेटेड कोई लॉ था नहीं। लेकिन उस स्टेटमेंट पर अनिल विज जी ने बोला कि आप मुझसे आर्ग्यू मत करिए एंड प्लीज गेट आउट ऑफ दिस मीटिंग, सामने सारे लोगों के सामने और जो उनसे जूनियर थे, जो उनके सबॉर्डिनेट थे, उनके सामने। तो सर, क्या एक आईएएस ऑफिसर, एक अच्छी रैंक का आईएएस, एसपी इज अ गुड रैंक आईएएस ऑफिसर, तो सर क्या एक आईएएस ऑफिसर इस चीज को डिजर्व करता है? भूमित, मैं इस विशेष घटना पे तो कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जनरली स्पीकिंग में ये कह सकता हूँ कि पहली बात तो यह है कि जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको पब्लिक जो फिगर्स हैं, चाहे वो देश के राष्ट्रपति महोदय हों, प्रधानमंत्री जी हों, या जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसमें कि सभी सभी और वो बताया भी जाता है और सभी को जानकारी भी होती है। पहली चीज तो ये, अगर कोई कभी किसी ऑफिसर को, एक तो ये जो इंस्टांसेस हैं ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हैं, मतलब आमतौर पर इस प्रकार का वाद विवाद नहीं होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या जी सर, मिनिस्टर्स में और ब्यूरोक्रेट्स में, ठीक है ना? नंबर एक बात। फिर भी अगर कोई जी इस सर, प्रकार की जी स्थिति सर, आती है तो उसको भी जो सुलझाने के तरीके उसी एसओपी में दिए गए हैं। उस एसओपी में ये बड़ा स्पष्ट है कि अगर आपसे कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अभद्र व्यवहार करता है तो आप उसकी उसे उस समय उलझने की, ये वैसे भी देखिए जब भी एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मान लीजिए आपको कोई गाली देता है, तो लॉ क्या कहता है? लॉ क्या कहता है कि आपको उसको गाली दीजिए या उसे हाथापाई कर लीजिए? लॉ ये कहता है कि आप उसकी कंप्लेंट कर दीजिए, ठीक है ना? इसी प्रकार से अगर कोई भी, देखिए पहली बात तो जैसा आपने कहा कि क्या वो आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर ये चीज डिजर्व करता है, नंबर एक, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उसने ग्रॉस मिसकंडक्ट भी किया हुआ है तो उसके लिए प्रोसीजर बना हुआ है उसको पनिश करने के लिए, उसका उसका जो इलाज है वो मॉब लिंचिंग नहीं है, ठीक है ना? तो ये एक तो जो हमारे जो यस ऑनरेबल जो पब्लिक सर मतलब हमारे जो ऑनरेबल लीडर्स हैं उन्हें भी अपनी जो मतलब जो अपनी उनकी लिमिटेशंस हैं वो पता होनी चाहिए, जो शायद इस मामले में शायद उनको पता नहीं होगी या भावावेश में वो निकल गया होगा उनसे। इसी प्रकार से जैसे आप अपने सबॉर्डिनेट से भी डील करते हैं, किसी ने कोई गलती भी की तो हमें उसको गाली देने का अधिकार नहीं है, हमें उसको एडवाइजरी लेटर देने का, वार्निंग देने का वो सब अधिकार है जिसका कि वो समुचित उत्तर देगा या अपनी बात स्पष्ट करेगा, ठीक है ना? तो पहली चीज तो ये है कि अगर कभी आप इस पर, मैं भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कई बार ऐसी परिस्थिति में फंसने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, सौभाग्य तो नहीं कहूंगा। तो उसमें एक बड़ा सीधा सा है कि आप उस टाइम उस मौके पर विनम्र हो जाइए
और बोलिए कि सर संभवतः मैं अपनी बात आपसे स्पष्ट नहीं कह पा रहा हूँ, तो इस विषय में अगर मुझसे डिटेल्ड एक रिपोर्ट मांग ली जाएगी तो मैं इसको ज्यादा स्पष्ट तरीके से पूरे फैक्ट एंड फिगर्स के साथ कह पाऊंगा। तो ऐसे मौकों पे भी जैसे मैंने पहले सबॉर्डिनेट से डीलिंग के लिए बात कही, ये खाली ये मंत्री जी की बात नहीं है, आपका चीफ सेक्रेटरी साहब भी बुला के आपको चारों बात सुना सकता है। और कई ओकेजन पे आपको लगेगा कि नहीं मैं गलत हूँ। जैसे मैं एक बताऊं, आसाम का एक एग्जांपल बताऊं, आसाम के हमारे एक चीफ सेक्रेटरी साहब थे, अभी रिटायर हो गए हैं, पंजाब के ही थे, एसडी सिंह सर। उनका ये कहना था कि भाई जब तक मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था मुझे लगता था मेरे ऊपर सारे गलत है, जब मैं धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ा हूँ तब मुझे पता लगा कि नहीं भाई इन लोगों को भी सोचना आता है। तो ये कंफ्लिक्ट रहते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है, जनरेशन गैप्स भी रहते हैं। जैसे हमारे समाज में हमारे जो दादाजी और पिताजी और हमारे बीच में जनरेशन गैप्स थे, वही सर्विसेज में भी रहते हैं, वही आपके जो गैप्स हैं वो आपके पॉलिटिकल बॉसेस और ब्यूरोक्रेटिक बॉसेस के बीच में भी रहते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसका डील करने का सबसे एक अच्छा तरीका है कि आप उसको विनम्रता से डील करिए, आपको कोई गलत बात भी कही जा रही तो उस मौके पर उसको पी जाइए। मान लीजिए कि मीडिया ने भी बवाल मचाया कि साहब आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की तो बेइज्जती कर दी गई, तो आप उसको इशू मत बनाइए, क्योंकि मीडिया दूसरे फ्रंट पे खेल रहा है, वो शायद आपके और उनके बीच में डिफरेंसेस को एक स्पाइसी न्यूज बना के प्रस्तुत करना चाह रहा है। आमतौर पे जो मेच्योर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं ऐसे मौकों पे कमेंट करने से विनम्रता से मना कर देते हैं कि भाई इस मामले में मैं नहीं कह पाऊंगा, आप इस विषय में अगर पूछना है तो मेरे सुपीरियर से जाके पूछ लीजिए, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार की सिचुएशन को अवॉइड करना, एक इसमें भी आपका वही रिफ्लेक्स और जो आपका इंटेलिजेंस है वो काम आएगा, ठीक है ना। तो उसमें आप उस मौके के हिसाब से उस सिचुएशन में क्या बेस्ट पॉसिबल है, विनम्र रहते हुए आप उसको अवॉइड कर सकते हैं सिचुएशन को, और बाद में आपको जो नियमानुसार कार्रवाई करनी, आप कॉम्पिटेंट हैं, आप उसको कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है सर, मोहित। ये एक बात